नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। आयुष मंत्रालय उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार आज योग दिवस के अवसर पर जामिया तिब्बतिया देवबंद में स्वयं और समाज के लिए योग के अंतर्गत चल रही योग सप्ताह के अंतिम दिन जामिया तिब्बतिया देवबंद के प्रांगण में योग दिवस मनाया गया। जामिया तिब्बतिया देवबंद में योग शिविर का शुभारंभ डॉक्टर अख्तर सईद ने किया। इस अवसर पर जीवन योगा फाउंडेशन रेलवे रोड देवबंद के सौजन्य से आयोजित सामूहिक योग में योगाचार्य विशाल पुंडीर व उनकी टीम ने भिन्न भिन्न प्रकार के योगासन कराए। सामूहिक योग के दौरान अमित चौधरी, राहुल राणा, अनुज, ईशु, अमित कुमार, विकास पुंडीर, दीपक कुमार, वंदना, ज्योति आदि का भरपूर योगदान रहा। जामिया तिब्बतिया देवबंद की ओर से योग सप्ताह के अंतर्गत क्षेत्र के विभिन्न गांवों में योगाभ्यास कराया गया, जिसमें जामिया तिब्बतिया देवबंद की ओर से योग प्रशिक्षक डॉक्टर एहतिशाम उलक सिद्दीकी, डॉक्टर मोहम्मद आजम, डॉक्टर मुजम्मिल, जमशेद अनवर, सुहेल अली आदि ने गांव-गांव व देवबंद के विभिन्न क्षेत्रों में योगासन कराया, जिसमें लगभग 12 गांवों के साथ साथ नगर के हजारों व्यक्तियों को योग से जोड़ा गया और ग्रामवासियों को योग के लाभ के विषय में जानकारी देते हुए कहा गया कि योग हमारे जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण है। इससे मनुष्य को सभी रोगों से लड़ने की क्षमता प्राप्त होती है। महाविद्यालय जामिया तिब्बतिया देवबंद में योगाभ्यास के बाद एक विचार गोष्ठी का भी आयोजन किया गया। जामिया तिब्बतिया देवबंद के सचिव डॉक्टर अख्तर सईद ने अतिथि गणों का स्वागत किया, जिसमें योगाचार्य विशाल पुंडीर व उनकी टीम ने छात्र छात्राओं व समस्त स्टाफ को संबोधित करते हुए कहा कि वर्ष 2015 में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित करने के पश्चात इसकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, जिससे मनुष्य के स्वास्थ्य में भी प्रतिरोधक क्षमता का विकास हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की मुबारकबाद देता हूं। साथ ही साथ ये भी आग्रह करता हूं कि जिस तरह से ये साल में एक मर्तबा 5 दिन का या 6 दिन का पखवाड़ा जो मनाया जा रहा है, इसको हमको हम सभी लोगों को ये प्रण करना चाहिए कि इसको हम अपनी जीवन शैली में इसको शामिल करें और रोज इसको सुबह में, हालांकि विशाल जी की व्यवस्था और कई प्रोग्राम है, शायद 5वां यहाँ पर एंगेजमेंट है आपका, जिस वजह से ये देरी हुई, तो ये इसका सही समय जो है जो गवर्नमेंट ने तय किया है वो 6 बजे से 8 बजे तक। उसकी वजह ये है, उसके पीछे जो मकसद होता है कि उस वक्त एम्प्टी स्टमक होता है, आदमी खाली पेट होता है, तो जितनी भी एक्सरसाइज होती है, योग होते हैं, वो नहार मुंह किए जाते हैं, खाली पेट किए जाते हैं। मैं समझता हूँ आज तो चूंकि हमने 7 बजे का टाइम दिया था और सभी लोग नहार मुंह होंगे, खाली पेट नहीं होंगे, तो योग भी सही हुआ। योग अगर चलता रहे तो जो माल यहाँ है उसका इस्तेमाल ऐसे हो तो यहाँ ऐसा रहना चाहिए, पेट ऐसा ना रहना चाहिए। तो हमें, मैं तो आज तो मेरे नी ज्वाइंट, मेरा ये हिप ज्वाइंट, एल्बो ज्वाइंट, कोई ज्वाइंट ऐसा नहीं है जिसकी स्टिफनेस ना हो, मतलब पूरा नहीं चलता, लेकिन आज मैं जितना भी कर पाया आपके उससे सुपरविजन से, आपके जो टीम थी उनके सुपरविजन से, तो इस वक्त मैं बहुत अपने आप को मतलब हल्का महसूस कर रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि जैसे आज ही पैदा हुए, पूरा बॉडी पेन जो है रिलैक्स हुआ हुआ है। बहरहाल आपके यहाँ तो जो हमारा अपनी कम्युनिटी है, 5 वक्त आसन बताया गया है जो नमाज में आपके हैं, सारे आसन जो आपने सीखे ये 5 वक्त आपको करने होते हैं। अगर वाकई नमाज भी पढ़े आप तो 5 वक्त, तो वो सब आसन आपके हो जाते हैं, उसको भी अगर करें उसमें देख लीजिए, तो खाली पेट का वक्त है, सुबह हुआ, शाम हुआ, असर का वक्त, मगरिब का वक्त, इन 3 वक्तों में कम टाइम दिया गया है। और जिस वक्त आप खाना खा लेते हैं दोपहर का और रात का, उस वक्त ज्यादा आसन उसके बाद के जो बताया गया उससे पहले के, बहरहाल करना चाहिए। और मैंने खुद बताया कि इंस्ट्रक्टर जो है इन जैसा हमें बनना चाहिए, योग में भी और बॉडी में भी फ्लेक्सिबिलिटी हमारे अंदर रहेगी तो हम काम भी अच्छा करेंगे और जो हमारी सेवाएं हैं, जो हमें सेवाएं देनी है समाज को, सेवाएं भी हम अच्छी दे सकेंगे। इसी के साथ मैं फिर आपकी पूरी टीम का धन्यवाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि योग दिवस के अलावा भी आप बीच में आएंगे और इंस्ट्रक्टर की हैसियत से यहाँ स्टाफ को एक ही मुताबिक करेंगे, तो आपकी वजह से हो सकता है महीने में, हफ्ते में, अगर इसी तरह चलता रहे तो ये लोग भी थोड़ा सा सही हो जाए। इसी के साथ मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत, नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।